तो डाउट में हो कि अभी एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले हैं, राइट? तो क्या आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अब ये डाउट दोनों को होता है, टॉपर्स को भी होता है और शायद जो फेल होने के कगार पे हो उन बच्चों को भी होता है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोनों का ना तीन कंडीशन है, उसके बारे में बात करें फटाफट कि ग्रेस मार्क्स किन कंडीशन में आप लोगों को मिलता है। बहुत सिंपल है, बहुत फटाफट फटाफट तीन पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेस मार्क्स की कंडीशंस क्या है और किन कंडीशंस में, किन ग्राउंड्स पे आपका आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? तो देखो मैं अगर आप लोगों को एक एक करके बताऊं, ओके, तो पहला पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फेल होने के कगार पर हो, है ना, अगर आप फेल होने वाले हो या जस्ट पास किया जाता है आपको, जस्ट पास किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं सर? 5 मार्क्स मिलते हैं। सीधा पॉइंट पे आता हूं, 5 मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को बच्चों ग्रेस मार्क्स, ओके? और ये जो 5 मार्क्स होते हैं ये अप टू 2 सब्जेक्ट्स, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? अब आप सब में अगर आपकी नैया डूबी हुई है तो कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? अप टू 2 मार्क्स मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको समझो साइंस में सिर्फ 1 मार्क्स चाहिए, ओके, 1 मार्क्स चाहिए और उससे आप पास हो जाओगे, राइट है? एंड समझो मैथमेटिक्स में, ओके, आपको 4 मार्क्स चाहिए और उससे पास हो जाएगा, समझो साइंस में 2 और यहाँ पे 3 मार्क्स, जिससे आप पास हो जाओगे तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। पहला कंडीशन सबसे सिंपल। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर कोई क्वेश्चन ही रॉन्ग हुआ हो, अगर क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो उस केस में उन ग्राउंड्स पे, जैसे लास्ट टाइम इंग्लिश में हुआ था, तो उन ग्राउंड्स पे आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन रॉन्ग होने पर भी आपके मार्क्स मिल जाते हैं आपको। तो एक्चुअली ये ग्रेस भी नहीं होंगे बोलेंगे, ये आपको मार्क्स टू बी गिवन है, ओके, बाय द बोर्ड्स। एंड तीसरा होता है लीनियंट चेकिंग की वजह से। आप सबको पता है सीबीएसई चेकिंग बहुत ज्यादा लीनियंट होती है फॉर क्लास 10, क्लास 12 एक्चुअली ईजी होती है और लीनियंट होती है। तो आप लोगों को इस केस में बच्चों मार्क्स मिल जाते हैं अगर समझो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो मैं इस थर्ड पॉइंट को तो बोलता हूँ परफॉर्मेंस के बेसिस पर है। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ओके, और सभी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे स्कोर किए, मतलब सब में अच्छे अच्छे लिखे, एक क्वेश्चन में आपने गड़बड़ी, हाँ रिलेवेंट है क्वेश्चन का आंसर बट ना गड़बड़ी कर दी है वहां पे आपने, तो उस केस में भी आपको मार्क्स बढ़ा के दे दिए जाते हैं, सो डेट आपका ओवरऑल ग्रेड्स अच्छे बने। अब ये मॉडरेटर टू मॉडरेटर डिपेंडेंट है थोड़ा, बट अगेन लीनियंट चेकिंग की वजह से यहाँ पे आप लोगों को मार्क्स मिल जाती है। सीबीएसई की चेकिंग सबको पता है इतने डिफिकल्ट नहीं होते, पेपर्स भी एक्चुअली ईजी होते हैं, बट स्टिल अगर आप फेल होने वाले तो देखो मैं पहले बता दूँ ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग सीधा क्या कीजिए, जल्दी से इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिख देना, ओके, कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स या फिर कुछ भी मैं बता दूंगा। पासिंग क्राइटेरिया जल्दी आने वाला वीडियो, तो उसके लिए भी वेट कर सकते हो। बाय, टेक केयर।